आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार SMP न्यूज झारखंड ने रांची नगर निगम को उसके कुंभकर्णी नींद से जगा दिया। जी, आपने सही सुना। राजधानी में अमूमन सभी जगहों पर फुटपाथ दुकानदारों ने अवैध कब्जा जमा रखा है, तो कहीं पे अवैध नो पार्किंग। इसको लेकर रांची से निकलने वाले सभी अखबारों ने खबरों को प्रमुखता से छापा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस पर सिर्फ खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया। लेकिन आप सबको आए दिन होने वाले परेशानियों को लेकर SMP न्यूज झारखंड नगर निगम की लापरवाही से जुड़े खबरों को लगातार दिखाते रहा है। नतीजा, कुछ लोग SMP न्यूज झारखंड के इनबॉक्स में आकर धमकी भी दिए, लेकिन इन सब बातों को परवाह किए बगैर हम खबरों को दिखाते रहे। आज खबर का असर मेन रोड में भी देखने को मिला, जहां अवैध रूप से कब्जा किए फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। और वैसे दुकानदार जिनके पास ऑलरेडी दुकानें हैं और उसके बावजूद भी अवैध कब्जा किए हैं, उनसे जुर्माने की राशि भी वसूली गई। कई लोग इसका विरोध करते नजर आए। हम बात कर रहे हैं रांची के मेन रोड की, जहां एक ओर से नगर निगम कर्मी हटाने में लगे थे, तो दूसरी ओर निगम कर्मियों के हटाने के बाद दुकानदार दुकान लगाते नजर आए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हम लगातार इन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। आए दिन जब भी नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, हम लगातार आपको खबरों से रूबरू करा रहे हैं कि किस किस एरिया में, किस किस रूट में आज अभियान चलाया गया और उसका नतीजा क्या हुआ। आपको हम बताते चले कि अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर के आज रांची के ओवर ब्रिज तक, ये आज फिर से अतिक्रमण मुक्त अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया गया। सुनो ना, एक आदमी बात कीजिए, एक आदमी बोलिए क्या बोलना है। पहले बात करते हैं सर, हम लोग को नहीं पता। नहीं पता तो आपको गाड़ी मिल जाएगा, कोई टेंशन होता है। आप बताइए, गाड़ी आपको लगवा दे, लेकिन ठीक है, लगा देते हैं जान। आप आप गलत हो दिए, हम लोग कर रहे हैं सर। चलिए वो चार्ज ले लो, गाड़ी तो हम लोग चिंता गाड़ी, एक मिनट चिंता गाड़ी आगे चले, उधर लगे उधर लगे, यहाँ तक कि आज नगर निगम के खुद सिटी मैनेजर भी साथ में मुहिम के हिस्सा थे। जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में रखी गई थी, उनको भी जब्त किया गया, गाड़ियों पे लोड किया गया, और जो अवैध कब्जा किए थे उनके सामानों को भी जब्त किया गया और कुछ लोगों के ऊपर जुर्माना भी किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, हमने ये भी कवर यातायात को लेकर के उठाया था कि क्या जो दुकानें फुटपाथ पे लग रही हैं, अस्थाई से अस्थाई बन जा रही हैं, अस्थाई रूप ले रही हैं, तो ऐसे में जहां तक हम फिर से वही बात करेंगे, यातायात वाली बात, कि वरीय अधिकारी जब कहते हैं तो ये अभियान चलाया जाता है। तो सवाल यहां उठता है कि आखिरकार जो शहर का भ्रमण कर रहे हैं, जिनके जिम्मा है ये एरिया, चाहे वो रांची का कोई भी रूट हो, तो आखिरकार वो अपने ड्यूटी में लापरवाही क्यों बरतते हैं। क्या अभियान जब चलेगा तभी केवल ये अतिक्रमण मुक्त होगा सड़क। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अतिक्रमण जब किया जा रहा है तो अधिकारी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हालांकि प्रतिदिन वो शहर का भ्रमण कर रहे हैं, फिर भी हम तो यही कहेंगे वो देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, और जब दबाव बनता है इनके ऊपर तब जाकर के ये मुहिम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नीचे के कर्मियों की भी कमी है। तो यदि वरीय अधिकारी इस पे संज्ञान लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इस अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ना ही कभी कोई अतिक्रमण कर पाएंगे। सबसे बड़ा यदि कोई सवाल यहां खड़ा होता है तो वो है, तो वो कहीं ना कहीं सुस्त रवैया अपना रहे हैं, जिसका नतीजा है ये अतिक्रमण। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वरीय अधिकारियों के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा था, आगे आगे कार्रवाई किया जा रहा था, और पीछे पीछे वो दुकानें सज रही थी। जब से आज हम आपको फिर दिखाएंगे, हमने फिर भ्रमण किया है दोबारा, क्योंकि जब ये कुछ दूर में गाड़ियां निकल गई तो दुकानें फिर से सजा दी गई हैं। यदि हम बात करें रांची का डेली मार्केट का, जहां मुर्गा वगैरह बिकता है, उसमें टोकरी से टोकरी भर करके रखा जाता है, हर हमेशा वहां से उसको हटाया जाता है। ये अभियान चलता है तब, हम तब की बात कर रहे हैं, ये जब अभियान चलता है तो उस जो भी वहां पे दुकानें लगाई जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास भी दुकानें नहीं है, ऑलरेडी उनके पास दुकान डेली मार्केट के अंदर है, लेकिन वो सभी टोकरी को बाहर निकाल कर रख देते हैं सड़क के नाले के ऊपर, और वो बदबू भी मारते रहता है। तो ऐसे में क्या किसके सह पर ये टोकरियों को वहां रखा जाता है और लोगों की परेशानियों को बढ़ाया जाता है? क्या अधिकारी उस रूट से नहीं गुजरते हैं? हम आपको बताते चलें, जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, ये निगरानी का जिम्मा इन्फोर्समेंट टीम की है, तो क्या इन्फोर्समेंट टीम को यह दिखाई नहीं पड़ता है?
कि लगातार दुकानें सज रही हैं और हम उसी रूट से पार कर रहे हैं और हमें ये हम उसको देख करके भी इग्नोर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इन्फोर्समेंट टीम पर है कि क्या वो सुस्त रवैया अपना रहे हैं जिसका खामियाजा रांची के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्या उनको नहीं दिखता है? सवाल यही उठता है कि आखिर केवल अभियान का बहाना करके, हम अभियान चला करके हम कितने लोगों को सुधार सकते हैं? जब तक हम प्रॉपर इस पर निगरानी नहीं रखेंगे तब तक ये अभियान कितने भी चलेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं लगातार खबर आपको दिखाते आ रहा हूं कि अभियान चलाया जा रहा है, फिर से जस की तस स्थिति बन जा रही है। तो कठोर से कठोर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कोई सुधरने का नाम नहीं लेगा। अब मैं फिर से बोलूंगा कि वो बड़े व्यापारी जिनके पास दुकान ऑलरेडी है वो अपने दुकानों को छोड़ करके और बाहर सड़क पे नाले के ऊपर अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, तो उन पे सख्त सख्त जब तक रांची नगर निगम कार्रवाई नहीं करती है, कोई पेनल्टी नहीं लगाती है, तब तक ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं। चाहे आप कितने भी अभियान लगा लें फिर भी रांची नगर निगम के सिटी मैनेजर लगातार, आपको हम बताते चले, काफी कड़ा धूप था आज, वो लगातार तकरीबन 2.5 से 3 घंटे अभियान के हिस्सा रहे और सब पे कार्रवाई किया गया और उन्होंने क्या कहा हम आगे सुनेंगे। लेकिन फिर भी हम फिर से यही बात कहेंगे कि वैसे अधिकारी जो सही में टाइम पास कर रहे हैं या अपने अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहे हैं, तो वैसे लोगों के सुस्त रवैये पे रांची नगर निगम के वरीय अधिकारियों को कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तब जाकर के हमें लगता है कि अपने रांची को हम स्वच्छ बना पाएंगे और हमारा रांची स्मार्ट हो पाएगा। तो लगातार आप विजुअल को देख रहे हैं कि क्या स्थिति है रांची मेन रोड की, क्या स्थिति है और कैसे बड़े दुकानदार जो व्यवसायी हैं वो कैसे कब्जा करके रखे हैं। आप देख रहे हैं कि जब टीम पहुंच रही है तो अपने अपने सामानों को वो अंदर कर रहे हैं और जैसे ही अधिकारी आगे जाएंगे पीछे पीछे फिर से इनके ये वही स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एसएमपी झारखंड के जो भी दर्शक हैं वो इस बात से बखूबी अवगत हैं, बखूबी जान रहे हैं कि हम लगातार इन खबरों को दिखाते आ रहे हैं और तकरीबन हमें लगता है कि एक साल से रांची नगर निगम के द्वारा जो भी कार्रवाई किया जा रहा है हम आपको अवगत कराते आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि ये अभियान चलाया जाता है और फिर से स्थिति क्या होती है वो आपको हमारे सभी दर्शकों को सबको पता है। फिर भी कुछ दुकानदारों पे आप देख सकते हैं इस समय जुर्माना किया जा रहा है, जो भी अवैध कब्जा किए हुए हैं गिट्टी बालू कहीं रखा गया है तो कहीं मिट्टी रखा गया है। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि क्या जब ये अभियान आता है तभी इन्फोर्समेंट टीम को दिखता है क्या कि यहाँ पे ये चीज पड़े हुए हैं? आखिर उनको, जैसा कि सिटी मैनेजर ब्रजेंद्र कुमार ने हमको बताया कि हमारे इन्फोर्समेंट की टीम निगरानी रखेगी, तो क्या निगरानी है वो आप लगातार देख रहे हैं। ये तो एक दिन की बात तो है नहीं कि जिस दिन अभियान चला उसी दिन ये अतिक्रमण कर लिया गया होगा या दुकानें लगा दी गई होंगी या बैनर पोस्टर लगा दिए गए होंगे, ऐसा नहीं है। आखिर हमारे कहने का मतलब यही था कि अधिकारी क्या करते हैं, क्यों नहीं उनको दिखता है? आखिर जब शहर का भ्रमण कर रहे हैं तो क्या देखते हैं? वो केवल भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पार्किंग है नहीं लेकिन बोर्ड लगा हुआ है, तो लोग हर हमेशा उलझते हैं। आपको हम बता दें कि कई जगहों पे अभी तक टेंडर नहीं हुआ है और कई जगहों को नो पार्किंग फिर से घोषित किया गया है, नो पार्किंग जोन किया गया था। तो इस पर भी सिटी मैनेजर ने कहा कि हम इसको तुरंत संज्ञान में लेंगे और इसको हटाएंगे। एक आपको विजुअल हमने दिखाया कि आगे आगे तो सभी इसको हटा दिया गया है, अभी आप देखें फिर से हम बजरंगबली मंदिर के समीप आ गए हैं। यहाँ पे कल ही अभियान चलाया गया था और इनको सचेत किया गया था, हटाया गया था कि अपने सामानों को दुकान के अंदर रखें, जस की तस स्थिति, फिर से वही दुकानें और सड़कों के किनारे अपने अपने सामान को दुकानदार सजा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सजना चौक का समीप का ये विजुअल है, यहाँ भी सभी दुकानदारों को सचेत किया गया था, कुछ लोगों के सामानों को जब्त भी किया गया था कि अपने सामानों को अंदर रखें, लेकिन कल तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन आज क्या स्थिति है हम प्रूफ के साथ आपको फिर से दिखा रहे हैं। गुमटी हटना चाहिए, अच्छा आप लोग कहना है कि गुमटी हटना चाहिए, सबका हटना चाहिए। हम लेके जाएंगे फिर।
आप लोग क्या चाह रही हैं? हम लोग छोड़ रहे हैं, सब गरीब को हट रहा है तो इसका भी हटना चाहिए। मतलब आप लोग का हट रहा है तो उसको भी हटना चाहिए? हटना चाहिए ना, हम लोग हट रहे हैं तो कहे नहीं हटेगी, सबका पेट है। आप लोग क्या चीज का दुकान है? सब्जी का। अच्छा, सब्जी का दुकान हटाया गया। हाँ, आप लोग क्या रहेंगे, गुमटी भी हटे? सबका हटे, इसी का खाली नहीं, हम सबका हट रहा है तो सबका, रहना है तो सबका रहो। हाँ, रखना है तो सबको रखिए, ना तो सबको हटाइए, किसी को नहीं रहना है तो किसी को नहीं रखिए, और हटाना रखना है तो रखिए और हटाना तो हटाइए पूरा, किसी को एक जन को कहे छोड़िएगा। हम लोग का सब्जी का दुकान है, हम लोग जब हटवा दिए यहाँ पर तो उसको भी ना हटना चाहिए। दुकान आप कब से लगा रहे हैं? हम लोग का बहुत दिन से लगा रहे हैं, 12-13 साल हो गया। कहाँ कौन बोल रहा है? हम लोग कहे बोलेंगे किसी से, परवाह का है, अपना भी कमा रहे हम भी कमा रहे, लेकिन सवाल होता है कि अब हम लोग का भी हटाए तो उनका भी हटना चाहिए ना। हाँ, मेरा भी तो पेट है, उनका भी पेट है, है तो उसका भी बाल बच्चा मेरा भी है, हटना चाहिए तो सबका हटिए, नहीं तो रखिए सबको, बस हमको इससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हटना है तो सबको हटाइए, नहीं तो सबको काम करने दीजिए। कोरोना में तो बीमारी से मार रहा है, तो भूख से भी मारेंगे। हाँ, इसीलिए हटना है तो सबको हटाइए। 500 रुपये? 500 रुपये का क्या ये वाला गुमटी आप हटाएंगी? हाँ, हटा लेंगे सर, हटा लेंगे। हाँ, अभी हमने कोई नहीं है इसीलिए नहीं उठा सके। कितना दिन से कोई टोकने आया आपको कि आप गुमटी यहाँ क्यों रखी है? नहीं सर, कोई टोकने नहीं आया। कब से ये गुमटी है? गुमटी हो गए 6-7 महीना से। 6-7 महीना हो गया। हाँ, और इस 6-7 महीने में कोई आपको घूमने नहीं आया? नहीं सर। गुमटी हटाओ यहाँ? नहीं सर। सिटी मैनेजर ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ हैं सिटी मैनेजर, आज इनसे हम बात करते हैं विजेंद्र जी से कि जो अभियान चलाया जा रहा है सर, कितना कारगर आपको दिख रहा है? देखिए, यह हमारा जो अभियान है कचहरी चौक से लेकर के आपका ओवरब्रिज तक चलना है, और कारगर तो हमारा है कि हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है हमारा सुगम चल रहा है अभी तक, और जितना भी अनऑथराइज जो भी चीज़ है उसको हम लोग हटाते जा रहे हैं, और आज शाम तक खुद ही ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लगेंगी आपको। लेकिन देखा जा रहा है कि आप लोग आगे आगे हटाते हैं और पीछे से फिर से वही स्थिति हो जाती है। इसके लिए हमने व्यवस्था, एक सप्ताह का हमारा ड्राइव कंटिन्यू चलेगा सुबह शाम दोनों पाली में, और उसके बाद ही हमारी इन्फोर्समेंट टीम के से कंटिन्यू निगरानी किया जाएगा इसका। खास करके डेली मार्केट के समीप जहाँ पे मुर्गा दुकान लगता है वहाँ हमेशा हटता है और हमेशा ऑन रोड आ जाते हैं। अभी हम लोग ड्राइव के क्रम में ही हैं और आगे देखते हैं, अगर वहाँ पे क्या सिचुएशन रहता है उसको देख करके हम लोग कार्रवाई करेंगे उसका। बहुत लोगों का कहना है कि फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, उनके लिए भी सरकार की योजना है, वो योजना चल रही है, जो दिशा निर्देश हमें ऊपर से जो मिलती है हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। रातू रोड में 2 दिन अभियान चला, फिर से वही स्थिति है, क्या कहेंगे सर? रातू रोड में भी हमारा अभियान चलेगा, कल या परसों तो हमारा वहाँ पर भी अभियान चलेगा। तो अभी आपने सिटी मैनेजर को भी सुना कि उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे निगरानी रखेंगे और क्या कार्य होगा आगे, और हमें उम्मीद है कि खास करके सिटी मैनेजर ब्रजेंद्र कुमार से ये रिक्के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो काम नहीं कर रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं अच्छे उनको प्रोत्साहन दें, तभी हम जाकर के अपने सिटी को स्मार्ट बना पाएंगे, और वैसे लोगों पर नकल भी कसा जाएगा जो बातों को समझने को तैयार नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।